वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अली अहमद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जाने के बाद शाहद अफरीदी थोड़ा गुस्से में नजर आए। अरे भाई, शाहद अफरीदी को गुस्सा किस चीज़ का आया? अब आप में से सभी लोग ये सोच रहे हैं कि शाहद अफरीदी को गुस्सा आया शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि उनकी लड़की के वो हैं, जो आप समझ रहे हो, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, दोबारा से नहीं बताऊँगा। आप जानते हो कि क्या क्या रिलेशन है उनका, इस वजह से गुस्सा आ गया होगा। लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं, इस वजह से बिल्कुल भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि किसी को भी आप कप्तानी दे रहे हैं तो भला कम अज़ कम अज़ उसको टाइम तो दें भाई, टाइम तो दें। और यहाँ पर लोग जो है ना, अब शाहद अफरीदी को ट्रोल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, शाहद अफरीदी को ट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाहद अफरीदी ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, शाहद अफरीदी ने जस्ट ये कहा है कि किसी को भी आप कप्तानी दे रहे हो, किसी को भी आपने कोई चीज़, मतलब कोई रुतबा, कोई मुकाम, कोई स्टेटस उसे दिया तो उसे भाई थोड़ा टाइम दें कि किस तरह वो परफॉर्मेंस देता है। ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर जो है ना पीसीबी के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये दे रहा हूँ कि पीसीबी को ये चाहिए था। यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं पीसीबी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना शाहद अफरीदी के बात के बारे में ख्याल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ कि यहाँ पर पीसीबी को चाहिए क्या था कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा टाइम देते, कि इस T20 का उसे टाइम देते, और उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उनकी नज़र में बाबर आजम अच्छे कैप्टन है, इसलिए उन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। शाहद अफरीदी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, यही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को टाइम मिलना चाहिए था। बस आप सभी लोगों के जहन में ये बातें आ गई कि उनका कुछ उसके साथ रिलेशन है, रिलेशन तो है, लेकिन बात ये है कि बात उन्होंने बिल्कुल सही की है। किसी को भी अगर आपने कोई कप्तानी या हैज़ा उसे, कोई भी प्लेयर, कोई भी ओहदा उसे दिया तो थोड़ा सा टाइम दें भाई, उसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छे कैप्टन थे या फिर बाबर आजम अच्छे कैप्टन, आपकी नज़र में कौन है? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।